हर सुख हर दुख में जैसे पिछले बार थी वैसे आगे भी रहूंगी। और जिस जो झरिया से ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, आपको हम बता दें कि झरिया से रागिनी सिंह जो है वो बीजेपी प्रत्याशी बनकर उभरी हैं और झरिया में वो जीत हासिल की है। आपको हम बता दें कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह को वो हरा चुकी है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा नीरज सिंह को हराने के बाद रागिनी सिंह क्या कुछ बता रही है। तो सबसे पहले तो अपने झरिया परिवार को दिल से धन्यवाद, आभार, सबको प्रणाम। और ये चुनाव मैं नहीं, झरिया के हमारे परिवार चुनाव लड़े हैं और मुखर होकर लड़े हैं। और जिस आशा जिस विश्वास उन लोगों ने चुनाव लड़े, उस आशा विश्वास को मैं कायम रखूंगी। और जो विकास से रुक चुकी है उस विकास को मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ाऊंगी। और निश्चित तौर से 365 दिन झरिया के परिवार के बीच में खड़ी रहूंगी, हर सुख हर दुख में जैसे पिछले बार थी वैसे आगे भी रहूंगी। और जिस जो जो कामें जो 5 साल से बिल्कुल रुक चुकी है उस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाऊंगी। झरिया में बहुत पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, हर तरह की व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है। खास करके क्राइम जो है बहुत बढ़ाया गया, क्राइम को सबसे पहले रोकूंगी। जीत का श्रेय किस को जाएगा? झरिया की जनता को, जो उन्होंने 5 साल ना रहकर भी मुझे सराखों पर रखा और इस तरह से रखा कि मुझे 5 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। तो झरिया की जनता का ये आभार मैं प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे इतना एंगेज रखा, इतना स्नेह और प्यार आशीर्वाद दिया कि आज फिर लाकर असली हकदार असली जगह पर बैठा दिया झरिया की जनता ने। तो मैं दिल से धन्यवाद आभार अपने परिवार को। देखिए पहला काम तो वहाँ अपने झरिया का सुरक्षित और खुशहाल करूंगी, क्योंकि झरिया मेरा बहुत मायूस हो गया, तो उसे पहले सुरक्षित और खुशहाल। तो आपने सुना किस प्रकार से बता रही है रागिनी सिंह की झरिया में 5 साल से जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, हम जीतने के बाद जो है उन सभी चीजों को अब करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि इस जीत का जो है पूरा क्रेडिट जो है उन्होंने झरिया की जनता को दिया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले।